your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो कलेक्शन हो रहा है वो मीशो कलेक्शन हो रहा है, यानी कि मीशो साड़ी कलेक्शन हो रहा है। इस बार की साड़ियाँ जो मैं लेके आई हूँ ना, सिंगल कलर यानी कि ब्लैक कलर लेके आई हूँ। ब्लैक कलर ऐसा होता है कि सबको ही पसंद आता है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ब्लैक कलर ना पसंद हो। तो मैंने सोचा मेरे ना चैनल पे दो वीडियो ऐसे डले हुए हैं जो ब्लैक कलेक्शन डला है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इसको, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं फिर से आप लोगों के साथ ना ब्लैक कलेक्शन लेके आती हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ लेके आई हूँ, तो पूरे वीडियो में रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, उसको भी जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको इन सबका गेटअप और प्लस आपको जो भी साड़ी पसंद आती है, आपको अगर परचेज करना है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला जो मेरी साड़ी है वो ऐसी ब्लैक कलर की है। ये साड़ी ना मुझे फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक में रिसीव हुआ है। साड़ी को ओपन कर लेते हैं एक बार। मैंने इसको ओपन करके देख चुकी हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। ये पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी, ब्लैक कलर की मिलेगी। प्लस इसके साथ साथ की बात करूँ ना, इसमें जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो, बॉर्डर देख रहे हो, ये आपको व्हाइट कलर का मिलने वाला है। और लास्ट में आपको ना ऐसे कैया मिल रही है, यानी कि ये पूरा बॉर्डर मिल रहा है। रेशम की इसमें एम्ब्रॉयडरी है। पूरी साड़ी इसी तरीके से है, बहुत प्यारी है। इसको आराम से आप व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ अगर वेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके साथ ब्लाउज दिया है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ, उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप व्हाइट के साथ पहनते हो तो अच्छा लगेगा। पूरी साड़ी ऐसी है, यहाँ पर जो आप मिल रहे हैं ना, आपको ये कमर तक, जब आप पल्ला लेते हो कमर तक आता है उस, ये ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी कि आपको थोड़ा सा पोश और मिलना चाहिए लेकिन कम मिला है। तो जब आप पहनते हो तो उस तरीके से स्टाइल कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा। प्लस पूरी साड़ी इसी तरीके से प्लेन मिलेगी। नीचे बॉर्डर की बात करूँ तो बॉर्डर आपको इसी तरीके का मिलने वाला है, ये नीचे नीचे। इसमें कैया बहुत प्यारी लग रही है। मुझे बहुत सारे कलर मिल रहे थे लेकिन मेरे ब्लैक कलर ही मुझे मंगवाना था, क्योंकि अभी ना मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्लू कलर, रानी कलर प्लस येलो कलर बहुत सारे आ चुके हैं। ब्लैक का कलेक्शन मैं आपसे अभी बहुत टाइम के बाद लेके आ रही हूँ, तो मैंने ब्लैक ऑर्डर किया, तो ये आपको पूरा नीचे मिलेगा। अब साड़ी के लास्ट में जब हम लोग चलते हैं ना, तो ये हमको ब्लाउज पीस मिलता है, ये जो जॉर्जेट का मिल रहा है सेम वैसे ही लगा है। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर इसके साथ आप व्हाइट कलर का ब्लाउज़ यूज़ करते हो तो इसको ना आप इसमें अटैच रहने दो, क्योंकि पूरा आपको कहीं से स्टिच करके ब्लाउज़ नहीं दे रहे हैं वो, मतलब जैसे हम लोगों को क्या होता है, साड़ी में ना साइड से ऐसे स्टिच कर देते हैं, तो वो हम लोगों को अलग ही करना होता है, बट इसमें स्टिच नहीं है। तो ये वाला जो इसकी लेस है आप साड़ी में ऐड कर सकते हो या कमर के साइड ऐड कर सकते हो इस लेस को। और इसमें व्हाइट कलर का ब्लाउज़ जो है थोड़ा सा उभर के दिखेगा। मैं एक व्हाइट कलर के ब्लाउज़ के साथ पहन के बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा इसका लुक समझ में आएगा। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस में भी ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस का रिसीव हुआ है, तो आप आराम से इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब अपने सेकेंड साड़ी की तरफ चले, तो सेकेंड साड़ी मैंने ऐसी प्लेन साड़ी मंगवाई है। मुझे प्लेन साड़ियाँ भी बहुत पसंद है। मेरे चैनल पे भी आपको प्लेन साड़ियाँ बहुत मिल जाएंगी। इसमें थोड़ा सा मतलब फ़र्क इतना है, साड़ी में फ़र्क इतना है, जॉर्जेट का है ये साड़ी, जॉर्जेट की ही मिलेगी, लेकिन इसमें ना हल्की सी शाइनिंग में आपको लाइनिंग दिख रही होगी, जैसे सिल्वर सी लाइनिंग होती है ना, उस टाइप की आपको साड़ी में ना लाइनिंग दिखेगी। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है। जब मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ तो समझ में आ रहा होगा, या फिर इसका फैब्रिक ना, आपको क्या होता है जब मैं कोड मेंशन करती हूँ ना, तो उस कोड को भी आप मीशो पे डालोगे तो उसमें आपको उसका प्रोडक्ट की मतलब किस प्रोडक्ट का है वो, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रिसीव हो जाएंगी। तो ये जब मैं वेयर करके बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं तो एक डिफरेंट ब्लाउज के साथ वेयर कर रही हूँ, और ये ब्लैक साड़ी आपको डिफरेंट ब्लाउज के ही साथ अच्छी लगेगी। ये पूरी साड़ी ऐसी ही सेम है, इसके साथ जो हमको ब्लाउज मिल रहा है ना वो आप देख रहे हो ऐसा ब्लैक कलर का, तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सब ब्लाउज ना जब साड़ी पर हम लोग स्टिच कराते तो अच्छा सा लुक नहीं लगता, मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो इस टाइप का बिल्कुल भी मत स्टिच कराओ ये ब्लाउज। ये इसका कपड़ा आप रख सकते हो, कभी भी यूज हो सकता है आपके, बट उसके लिए ना आप कोई भी कलर का आपके पास ब्लाउज हो, इतनी सस्ती साड़ी पे ब्लाउज लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कलर के आपके पास ब्लाउज होंगे आप उसको उसमें मतलब पहन सकते हो, साड़ी पे पहन सकते हो। मेरी जो थर्ड साड़ी है वो भी ऐसी एक ब्लैक कलर की है।
ये साड़ी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाली साड़ी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट सी। ये साड़ी ना आपको मेरे इस वाले वीडियो पे भी मिलेगा जो मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है, माय साड़ी कलेक्शन, मतलब मैंने जो मीशो से साड़ी कलेक्ट की हुई थी। आपका कहना था ना कि आप जो साड़ियाँ वेयर करते हो आप वो शेयर करो, तो मैंने वही शेयर किया था, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये पूरी साड़ी आपको ब्लैक कलर की मिलेगी, जो इसके ना बॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉर्डर में है एक पतली सी ऐसी लेस लगी हुई है और रेड कलर से ना फैब्रिक से ऐसे पीछे पाइपिंग टाइप का हुआ है, तो ये भी साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आंचल साइड में हमको ऐसे दो ऐसे लटकन टाइप की मिल रही हैं जो धागे की ही लटकन है, ये कभी भी फंस के निकल सकता है, मतलब इसका तो कोई इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि आंचल के साइड में है। बट पूरी साड़ी की अगर बात करें तो साड़ी बहुत अच्छी है, इसकी प्लेट वगैरह आप आराम से बनवा सक मतलब आराम से बन जाती है। जब आप इसको पहनते हो ना तो ये कहीं ना कहीं मतलब सॉफ्ट है पर थोड़ी बहुत चुभती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चुभती है, बट क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। इसके साथ जो हमको ब्लाउज़ मिलता है वो ब्लाउज़ इस तरीके का मिलता है, इसकी जो लंबाई है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही थी अपने और ब्लाउज़ के अपेक्षा, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि इसमें डिज़ाइन बना हुआ मिला था तो मैंने ऐसे ही स्टिच कराया था। इसका नेक सेम ऐसे ही बना था जैसा इसमें बना हुआ है, स्लीव में भी इसी तरीके से इसमें डिज़ाइन थी तो ऐसी ही स्लीव बनवा ली है, बैक ओपन करवा लिया है। ये भी साड़ी जब मैं पहनती हूँ ना तो इसके ब्लाउज़ के कारण ना साड़ी पहनने का मन नहीं होता क्योंकि ये ब्लाउज़ थोड़े से चुभते हैं, पहनने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसमें अस्तर वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं बट फिर भी ये थोड़ी सी चुभती है, बट थोड़े टाइम के लिए अगर आपको पहनना है तो ये पहन सकते हो, नहीं तो कोई भी रेड कलर का आपके पास ब्लाउज हो तो उस पर भी आप उसको वेयर कर सकते हो। अब अपनी अगली साड़ी की तरफ चलें तो अगली साड़ी मेरी ऐसी सिल्क की है, ये बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत सस्ती है। ये साड़ी मेरे चैनल पे एक येलो कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में डला हुआ है, फिर मैंने इसको रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मंगवाया था। इसकी भी स्टार्टिंग करते हैं इसके आंचल से ही करते हैं। आप आंचल देखोगे ना तो आपको ऐसे रेड कलर का आंचल मिलेगा, रेड आपको ये जो दिख रहा है ना ये मैरून टच में दिख रहा है, बट ये सिर्फ इसलिए मैरून टच में दिख रहा है, आप पीछे से देखोगे तो आपको धागे मिलेंगे जो ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक के साथ मिक्स रेड का दिया हुआ तो मैरून टच आ रहा है ये। तो ये आपको ऐसे मैरून कलर का ना आपको इसका आंचल मिलता है जिसमें बॉर्डर आपको मिल रही है वो शाइनिंग में आपको रेड कलर की मिल रही है दोनों साइड, और एक छोटी छोटी सी बूटियाँ मिली हैं। अब ये पूरी साड़ी आप देखोगे तो पूरी साड़ी आपको ब्लैक कलर की मिलेगी छोटी छोटी सी बूटियों के साथ, और जैसा बॉर्डर आपको आंचल साइड मिल रहा है वैसे ही बॉर्डर आपको यहाँ मिल रहा है और वैसे ही बॉर्डर आपको यहाँ नीचे साइड मिल रहा है। आप ये नीचे साइड देखोगे ना तो आपको नीचे साइड मिल रहा है। पूरी साड़ी सेम है, जब मैं इसको वेयर करके बता रही हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप के लुक की है, मतलब कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ये इस टाइप की साड़ियाँ ना आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, आराम से पहन सकते हो, और छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना जब हमको कहीं जाना होता है, कुछ अच्छा सा वेयर करना होता है, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होता है, तो ब्लैक कलर बेस्ट होता है। अब इसके साथ ना हमको जो लास्ट में मिल रहा है ना ये भी आपको जैसा आंचल है उसी तरीके का आपको ये ब्लाउज पीस मिल रहा है जिसमें हमको दोनों साइड बॉर्डर मिल रहा है। ब्लाउज़ पूरा प्लेन है और दोनों साइड बॉर्डर मिल रहा है, तो साड़ी ये बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत प्यारी है, प्लस इसका रेंज वाइज की बात करूँ तो रेंज में भी मुझे बहुत अच्छा रिसीव हुआ। इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका वेलकम है, और आप ना मेरे सारे वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा मेरे कलेक्शन कैसे आते हैं या फिर मैं कैसे कलेक्शन डाल रही हूँ। बट अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय। As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so